हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग 9261 का क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आज के वीडियो में हम लोग 9261 का क्यूब रूट निकालेंगे, उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं तो उसमें हम तीन तीन नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं, उसका एक ग्रुप बनाते हैं। और जब हम लोग स्क्वेयर रूट निकालते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हम लोग दो दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो हम लोग क्यूब रूट निकालने वाले हैं तो हम लोग इसमें तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तो जो भी नंबर एक बार आएगा वही नंबर तीन बार आएगा। ठीक है, तो वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा किस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से पहले जो नंबर दिया गया उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से लाइन लगानी है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका लास्ट वाला नंबर है आपने वो देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तब तो हम दो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, तीन से इस पूरे नंबर को भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 0, 8 and 7। आप बोलोगे ये कैसे आ गए, तो साइड में आपको बताता हूं। ये 9261, इसको जब हमने 3 से भाग किया तो 3 3 9, ये कट गया। अब दो नंबर एक साथ उतारने के लिए हमारे को पहले जीरो लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आ गया 26, ये हो गया 3 8 24 और 3 7 21। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने 3 से इसको भाग किया और 3 से भाग करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो भाग करना तो सभी को आता ही है, तो मैं डिटेल में भाग नहीं कर रहा हूं उतना। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3087। ठीक है, अब हम इसको, मैंने आपको क्या बता दू कि जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो जो नंबर हमारा एक बार आता है वो नंबर दो बार और आएगा, मतलब ये तीन बार आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार तो आ गया, दोबारा हम इसको फिर 3 से करेंगे। ठीक है, 3 1 3 0 का 0 3 2 6 3 9 27। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं 3 0 8 7। इस तरह से 3 से हमने इसको भाग देना है, 3 1 3, ये कट गया, 0 का 0। ठीक है, उसके बाद ये 8 आ गया, 3 2 6 और 3 9 27। इस तरह से तो मैंने कहा था कि जो हमारा एक नंबर है वो तीन बार आएगा, तो दो बार ये आ चुका है, तीसरी बारी फिर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको 3 से भाग करेंगे, तो पहले इसको भाग ही कर लेते हैं, 3 3 9 3 4 12 और 3 3 9, ये आ गया 343। अब ये 3 से नहीं जाएगा, आप लोग डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये 3 से नहीं जाएगा। अगर ये 243 होता तब ये 3 से चला जाता, बट ये 343 है। जो ये 343 है ये भी किसी का क्यूब रूट है, मतलब किसी का क्यूब है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाला नंबर देखना है 3। अगर ये 3 से नहीं जाएगा तो ये किससे जाएगा, 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, बट 7 के टेबल में आता है, तो मेरे को 7 से करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 7 4 28 7 9 63, कितना है 49। ठीक है, इसको यहां पे लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं, हमारे पास आया 49। अब 49 तो सभी को पता है कि 7 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, तो 7 7 जा आगे। अब आप ध्यान से देखना, मैंने कहा क्या था आपको कि जो नंबर एक बार आता है वो नंबर, मतलब
टोटल में 3 बार आएगा, ठीक है। तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है। अब 7 है, 7 कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसमें तीन तीन का पेयर बनता है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। आपने ये काउंट करने, 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद 7 कितनी बार है, 3 बार। अब इनका पेयर बनेगा, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब इन पेयर में से अब एक एक नंबर उठाएंगे, ठीक है। यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, ये हो गया 21। कितना हो गया, 21, ठीक है। जब आप 21 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये नंबर है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो फाइनल इसका जो क्यूब रूट आया वो आया है 21। अब एक बार फिर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको देखना होता है, ठीक है। अगर वो इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर ऑड है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर आपका एक बार आएगा वो आपका नंबर 3 बार आएगा, ठीक है, मतलब 2 बार ही और आएगा। जैसे यहाँ पे 3 हमारा 3 बार ही आया, उसके बाद 7 हमारा 3 बार ही आया। जो जितने भी नंबर आपके पास आएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो चलो ये छोटा नंबर था तो हमारे पास 6 ही नंबर यहाँ पे आया, ठीक है। आपके पास 9 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, ठीक है। आपने उसके बाद इनके इस तरह से पेयर बनाने हैं, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन पेयर में से एक एक नंबर लेना है आपने, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्यूब रूट है वो निकालना आ गया होगा, कि किस तरह से आप लोग क्यूब रूट को निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।